जोरदार तालियों से जी। हेलो साहिब जी, साहिब आज जितने का स्मार्ट कर रहे हैं साहिब जी की तरह ना नहीं पाने से एक कम पहले चल मैक्स टू ठीक है आगे लिया ठीक है अज मैं सब तो पहले थैंक्स करदा जी जेडे मेरे इंचार्ज हैं जी जे एंड के बीजेपी लीडर राकेश महाजन सर ऑल सेल दे जिन्होंने अज गाना डोगरी रिलीज़ किया है। ये गाना जड़ा है एक महीने तो असी शुरुआत शुरू की सी गाने नू एक महीने तो ज़्यादा टाइम लगा ये पूरी टीम का योगदान है। ये गाना गाया है सुरेश चौहान जी ने, म्यूजिक दिता है सुरिंदर सिंह मनास जी ने, लायरिक्स लिखे है ब्रिजमोहन सर जी ने और वीडियो की है के मल्होत्रा जी ने। पूरी टीम ने ये साहिल महाजन और मेरी वाइफ ने एक्ट किया होया है। ये डोगरी गाना है। बस थोड़ी मीडियम के माध्यम नाल ये कहना चाहना कि हम लोग जो थे डोगरी नू प्रमोट नहीं करते, डोगरी नू हमेशा प्रमोट करो। डोगरी एक ऐसी मिठी बोली है, मिठी भाषा है जेड़ी जम्मू का कोई भी आर्टिस्ट खड़ा कर दो कोई भी हिंदुस्तान के कोई भी कोने दे विच वो डोगरी में भी गा सकता है, हिंदी में भी गा सकता है, पंजाबी में भी गा सकता है, उर्दू में भी गा सकता है। बाहर के कलाकार मंगाते हैं, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट बाहर के कलाकार मंगाते हैं 10-10, 20-20 लाख रुपये दे के, उनको सिर्फ पंजाबी में ही गाया जाता है। उनको बोलो डोगरी में कभी गा के बताए, हिंदी में गा के बताए, कभी नहीं गा सकता। हमारे जो डोगरे कलाकार हैं इनको हमेशा प्रमोट करो और डोगरी को हमेशा कायम रखो। और आज का जो यूथ है डोगरी बोलने से शर्म करता है, मैं कहता हूँ कि डोगरी बोलने से मत शर्म करो, अपने बच्चों को डोगरी सिखाओ। मातृभाषा है हमारी डोगरी और डोगरी इतनी मीठी है पूरे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में लोग डोगरी को प्यार देते हैं और सारी मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार धन्यवादी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती देश की पार्टी है जो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हर कार्य करती रहती है। उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्कृति सेल है जिसकी शाखा भारतीय जनता पार्टी जम्मू में भी है। भारतीय जम्मू प्रदेश की पार्टी जिसका संस्कृति सेल के जिला के संयोजक साहिल महाजन जी है। साथियों डोगरी को प्रमोट करना ये हमारे अध्यक्ष जो रविंदर रैना जी है उनका भी लक्ष्य रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं डोगरा कलाकार आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बड़ी स्वाभिमान की बात है। उसी उपलक्ष्य में आज साहिल जी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, एक डोगरी में गाना जो गीत आज रिलीज़ किया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, इनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आपका भी धन्यवाद करता हूं जो आप साथी कलाकार, मैं आपको भी एक कलाकार के रूप में लेता हूं कि जो मीडिया स्तंभ जो इस जिस तरह से आप डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, ना सिर्फ डोगरी हमारी पहाड़ी गोजरी जिस तरह भी जो भी बेसिक प्रांत की भाषाएँ हैं उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह से हम आगे भी अपने कलाकारों को सम्मानित करते रहे, उनके गाने इसी तरह से गीत रिलीज़ करते रहे। जिस भी मुकाम पे हमें उनकी मदद की ज़रूरत हो हमें आगे आना चाहिए और डोगरी को हमें आगे ले जाना चाहिए। मैं आशा करूँगा इस गीत को हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने ना सिर्फ प्रदेश में ही देश में इसको फैलाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।